हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो का हमारा जो मकसद है वह है हमारे लास्ट पोस्ट का, जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी निगेटिवनेस पैदा करती हैं, आपको पढ़ाई से रोकती हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो जैसा कि एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म भरने की डेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एग्ज़ाम की डेट अभी तक आई नहीं है, तो यह एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करके अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें, ताकि जो एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं उसमें आप सफलता सक्सेस हासिल कर सकें। तो इसमें घबराए नहीं, डेट बढ़ रही है तो बढ़ने दें। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज करते रहें, वो आपके ही लिए बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, घबराएं नहीं और एग्जाम की तैयारी बिंदास करते रहें। कोई समस्या हो रही हो तो मैं बैठा हूँ, कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी मैं सलूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए बात करते हैं अपनी लास्ट पोस्ट से रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सुझाव भेजे थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी मेरे साथ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए। तो सबसे पहले जो कमेंट किया था वह किया था यशवंत कुमार सक्सेना ने। एक्चुअली उन्होंने वो प्रॉब्लम नहीं शेयर की थी, एक्चुअली उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन शेयर किया था कि कैसे निगेटिवनेस से हम दूर रह सकते हैं। उन्होंने बताया था कि हमें एक गोल बनाना चाहिए, उस गोल को फॉलो करना चाहिए और कोई भी निगेटिव चीज़ आती है तो उसे साइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। जो बीत गया उस पर बात नहीं करके, बल्कि जो आने वाला समय है उस पर बात करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए तरीके सोचने चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने भेजी थी। तो यशवंत कुमार सक्सेना, अगर आप सुन रहे हो, एक्चुअली आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कमेंट किया था, जो सुझाव भेजे थे। यादव सैनी, ये बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं। इन्होंने एक प्रॉब्लम शेयर की थी कि अगर एक नंबर से कोई बंदा, एक नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें जो निगेटिवनेस आती है तो उस चीज़ से वो कैसे बाहर निकले। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा सनी भाई, कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरा एक नंबर से रह जाता है और मेरे पास उसके बाद भी बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ होने वाला है या मैं इससे भी बेहतर कुछ कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लूँगा, निगेटिव वे में ना लेके मैं पॉजिटिव वे में ऐसे लूँगा कि जब नेक्स्ट टाइम मैं उसका एग्ज़ाम दूंगा और जो एक नंबर मेरा छूटा था उसके, वो क्यों छूटा था उस पर मैं फोकस करूंगा और उस पर फिर से वर्क करूंगा और अगला जो एग्ज़ाम मैं दूंगा इंशाल्लाह उसमें मैं अपना 100 से 100% देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, अगर किसी का भी एक नंबर से रह गया है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इसमें ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअली आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, कई लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया जो कि एक नंबर तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपका एक नंबर से रह गया है। एग्ज़ाम आजकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत इजी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने भी बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा आप मेहनत करते हैं मैं देखता हूँ। तो बिल्कुल अब जब एग्ज़ाम आप देंगे तो आप एकदम अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं और टाइम, हमेशा टाइम का ख्याल रखें। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम दें बिल्कुल सिलेक्शन होगा और मैं, आप मुझे कमेंट भी करेंगे वीडियो में मेरी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद एक कमेंट आया था, बहुत ही क्रिटिकल कमेंट था, मैं उनका नाम ही लेता हूँ एक्चुअली। बहुत ही अच्छा कमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि वह JRF निकालना चाहते हैं पर घर वालों की प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती हैं, कि घर वाले उन्हें ताना भी देते हैं कि तेरा JRF नहीं होगा और उन्हें टाइम नहीं मिलता है काम की वजह से। अगर वो टाइम निकालना चाहती हैं, मतलब अगर वो काम छोड़ के पढ़ाई करना चाहती हैं, तो फिर उनके घर वाले उन्हें बुरा भला कहते हैं कि जो काम करने वाले होते हैं, मतलब जो पढ़ाई करने वाले होते हैं, वो काम करते हुए भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर उनको घर वाले उन्हें ताना देते हैं तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यही ताने हैं, क्योंकि बेस्ट टाइम है ये आपको उन तानों का जवाब देने के लिए कि आप अपने सिलेक्शन से उन लोगों का मुंह बंद कर दें। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले कि आप मॉर्निंग का टाइम चुने पढ़ाई करने के लिए। मॉर्निंग का टाइम कैसे चुन सकती हैं? तो आप अर्ली मॉर्निंग उठें, 4 बजे उठ सकती हैं तो 4 बजे उठें, 3 बजे उठ सकती हैं तो 3 बजे उठें, क्योंकि अगर आप 3 या 4 बजे उठती हैं तो आप
6 बजे तक आराम से पढ़ाई कर सकती हैं। अगर 3 घंटे भी आप दिन में, और सुबह का टाइम वैसे भी बहुत बेस्ट होता है, उस टाइम आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ना ही उस टाइम आपके पास कोई काम होगा। और फिर दिन में 1-2 बजे आपका अगर काम खत्म हो जाता है तो 1-2 घंटे और पढ़ाई कर लें, और फिर रात को सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लें अगर टाइम मिलता है तो। मैं कहूँगा अगर आप इतनी देर पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप घबराए नहीं, लोग ताने देते हैं बिल्कुल, लोग कोई नहीं चाहता है कि कोई भी ऊपर जाए। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, देखिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि सपोज़ कि अगर आपके हस्बैंड आपको ताने देते हैं तो वो सिर्फ इसलिए आपको ताने देते हैं क्योंकि आप अगर कमाएंगे तो वो सोचते हैं कि उनकी मेंटेलिटी ये है कि उनका रौब कम होगा, पब्लिक में, समाज में उनको लोग बुरा भला कहेंगे। पर वो अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं कि अगर मेरी पत्नी भी कमाएगी तो हम लोगों के बच्चों का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा होगा, आने वाला समय भी बेहतर होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं की जा सकती है। पर अगर आप उस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ उनके सामने रखते हैं, एग्जाम्पल के साथ उनको बताते हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ यार ये सही था। तो आप उनसे बहस ना करें, वो जो कहते हैं सुनते रहिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल मैं अंगूठा लगा दूंगा इस बात पे कि उनका जो जहन है, जो उनका दिमाग है, वो चेंज हो जाएगा, और आप दोनों की जो लाइफ है, आपके फैमिली के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो भी बेहतर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, एक डेविल करके कमेंट आया था मेरे में, डेविल के नाम से। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया एप्स के वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो भैया ये कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली इसे आप चाहे जब चाहे छोड़ सकते हैं, और छोड़ने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखें, एक टारगेट बनाए, मॉर्निंग में उठें, उठते साथ ही आप अपना प्लान सोचें कि मेरा आज का प्लान क्या है, रूटीन क्या है, अपना टाइम टेबल क्या है। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने आप को ढालें। सपोज आपने अपना जो टाइम टेबल बनाया है कि आज मुझे 2 यूनिट ख़त्म करनी है, किसी भी सब्जेक्ट की 2 यूनिट, तो आपको वो 2 यूनिट ख़त्म करनी है। उसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े, वो 2 यूनिट जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आप दूसरा काम नहीं करेंगे, और वो 2 यूनिट ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल आप दूसरा काम करिए, सोशल मीडिया एप्स चलाइए, खेलिए कूदिए। लेकिन अगर वो 2 यूनिट नहीं ख़त्म होती है तो उस 2 यूनिट को ख़त्म करने से पहले कुछ काम मत करिए, ना ही सोइए, बेस्ट तरीका है। एक बार ट्राई करके देखें, आपकी ये आदत भी छूट जाएगी। फिर आया था पंकज करके कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि कितना भी पढ़ लें याद नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ाई के टाइम अगर ये जो आपने प्रश्न किया मेरे से, प्रॉब्लम शेयर किया कि कितना भी पढ़ लें याद नहीं होता है, तो ऐसा सिर्फ कुछ कंडीशनों में होता है। पहली कंडीशन है कि आप सही से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, दूसरा कि आपका पढ़ाई में ध्यान ना लग के कहीं और ध्यान लगा हुआ है, तीसरा कोई प्रेशर है आपके ऊपर जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर तो रहे हैं पर वो पढ़ाई आपके जहन में, आपके दिमाग में नहीं जा रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को कॉन्शियस रखें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई में ही मन लगाएं, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करें, छोड़ें। वो सारी चीज़ें आप घर के बाहर छोड़ के आएँ, अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम है तो घर के बाहर छोड़ के आएँ, घर की कोई प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर करना सीख लें। तो बिल्कुल, और बेस्ट टाइम चुनें, अपना टाइम टेबल बनाएं, मॉर्निंग टू मिड नाइट का जो भी आपका टाइम है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को रखें। एक हफ्ते आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप अपने आप को ढाल लेंगे और आपका मन भी लगने लगेगा और पढ़ाई में याद होने लगेगा। तो सुबह का टाइम याद करने के लिए चूज करें, और बाकी का टाइम जो है वो सॉल्व सॉल्यूशन का, जैसे कोई भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन है और भी कुछ है, याद करने के अलावा जितना भी काम है वो आप मॉर्निंग के बाद का रखें। तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप याद करने का ऑप्शन रखें। फिर नव्या त्रिवेदी है, एक्चुअली ये भी मेरी बहुत पुरानी व्यूअर है, तो इन्होंने कमेंट किया था कि तबीयत हेल्थ, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आप अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, पानी खूब पिएं और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। सपोज़ कि अब तो बाहर की चीज़ें बंद हो गई हैं जब से कोरोना आया है, लेकिन लोगों ने बहुत खाया बाहर का, तो बाहर की चीज़ें क्या है कि हमारे हेल्थ में नुकसान पैदा करते हैं, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो बाहर की चीज़ों से बचें,
और घर में जो भी बने उसे अच्छे से खाएं, टाइम टू टाइम खाएं, मतलब टाइम के हिसाब से खाएं। ये नहीं कि आप खाते ही रहें, या फिर आपने नाश्ता किया 11 बजे, खाना खाया 2 बजे, डिनर किया 11 बजे, ऐसा नहीं। नाश्ता नाश्ते का टाइम करें, और जो दोपहर का खाना है वो दोपहर के टाइम 1-2 बजे करें, और रात का जो खाना है वो 8 से 10 के बीच में कर लें। तो इस तरह से आप अपने आप को ढालेंगे तो बेहतर होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर आपका हर चीज़ में मन लगेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। फिर था एक उमा कुमारी, उन्होंने कहा था कि मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, और जो साथ वाला फ्रेंड होता है उसके हमसे ज़्यादा नंबर आते हैं जबकि वो कम मेहनत करता है। तो बिल्कुल ये मेरा खुद का अनुभव है। एक्चुअली हम और मेरा एक फ्रेंड है अली, हम बेंच पार्टनर थे, मतलब एक ही डेस्क पे बैठते थे, तो उसके जो नंबर थे वो 72 आते थे और मेरे नंबर थे वो 73 आते थे। हमेशा हर एग्ज़ाम में हम लोग 72, 73, 74, 71 इसी के लगभग हम लोग के नंबर आया करते थे। तो मैं डेली स्कूल जाता था और वो लगभग हफ्ते में 1-2 दिन स्कूल आता था। तो कभी कभी मुझे ऐसा होता था, अरे यार ये कैसे पढ़ाई कर लेता है, इतना अच्छे नंबर कैसे ला लेता है। एक्चुअली हम लोग डिस्कस भी किया करते थे, तो मुझे समझ में आया कि उसका पढ़ने का तरीका अलग है। वो जो एक बार पढ़ता है उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं जो एक बार पढ़ता हूँ उसे कई बार पढ़ना पड़ता है ताकि वो मुझे याद रहे, और मैं थोड़ा टेंशन भी लेता हूँ कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो याद नहीं होगा। तो मैंने उसकी थ्योरी अपनाई, तो मैं उसके जैसा पढ़ता था, मन लगा के पढ़ता था, कॉन्शियस होकर पढ़ता था कि एकदम मन नहीं यार ये एक बार पढ़ लूँ ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो बिल्कुल फिर जब हमारा 12th का एग्ज़ाम था तो मेरा उससे ज़्यादा नंबर आया, उसका थोड़ा सा कम नंबर आया, हालांकि सेम था, पर मुझे समझ में आया कि कम पढ़ाई करके कैसे ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना माइंड कॉन्शियस रखना पड़ेगा, आपके मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके मन में बाहरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें टाइम टू टाइम अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो जितने भी कमेंट आए थे इन सारे लोगों को मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कमेंट किया, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। अगर अभी भी किसी ने अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर की है तो मेरा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, आप उस पर जाके अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। यहाँ नहीं अगर मैसेज करना आपको अच्छा लगता तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको उसका सलूशन नहीं बता पाऊँगा, और सलूशन नहीं मिल पाएगा आपको तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप मुझे प्रॉब्लम शेयर करें, मैं बिल्कुल सलूशन बताऊंगा, थोड़ा सा लेट होगा फिर भी मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत के बिना कुछ मुमकिन नहीं है, और अगर मेहनत करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से किसी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।